Built in the 11th century and still standing tall, the Golconda Fort has witnessed and shaped the region's rich history. We had vague memories of visiting this place, but today we dived a little deeper thanks to our guide for sharing some interesting stories about the Golconda Fort. Enjoy the video and don't miss the glimpses of the fantastic light and sound in the end. So where are we going? Golconda Fort! Is it a fun place? Obviously. It's historical. If you actually you can enjoy it, then everything becomes fun. Okay. इसको टिकट जिसको सबको आता हो रहा है सबको पर्सनल हो रहा है एक एक दो तीन चार पाँच इसलिए था जब कोई एनिमी गेट तक आते हैं सूर्य से ऐसे क्लब करेंगे ऊपर जो लोग खड़े रहेंगे और ये एनिमी का पालन से गेट है जो उधर गेट आया था एनिमी को ये गेट नजर नहीं आना बोलते सामने दीवार बनाए पर्दे का दीवार वो दीवार नहीं रहने से दुश्मन को गेट दिखता है ऐसे गेट को नहीं चाहिए हाथी को रखते हैं हाथी स्पीड से आकर गेट को मारेगा गेट टूट जाता है वो हाथी स्पीड से आके जब अंदर दीवार टन करेगा ना ताकत उसकी कम हो जाएगी आगे पीछे कर कर गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं ऊपर छेद दिख रहा है ऐसे दाते गरम तेल गरम पानी छुपन कपड़े का आवाज़ सुना ये देखो भी वॉश करते हैं राजा रानी मारने के बाद उन लोग को डेड बॉडी एक गेट से नहीं निकालते गेट से निकालने से एनिमी को पता चल जाता है लोग अटैक कर देते हैं इसलिए क्या सुगन के रस से नीचे के दफनाए हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको विक्टोरिया महारानी ने गिफ्ट किया 1873 में यूज करने वाले जो तोपे हैं वो पंचधातु के जिसके अंदर में सोना चांदी पित्तल तांबा सिल्वर डाल के बनाए थे वो यूज करे हुए हैं वो अंदर है महल में देख सकते हैं आप 120 है किसी को नौकरी चाहिए आदमी के लिखे पड़े उसकी ताकत देखते हैं ये एक हाथ से उठाकर नीचे रखेगा उसके ऊपर नौकरी देगा का से नौकरी नहीं देते लिखे पड़े नहीं आदमी की ताकत देखकर उसको नौकरी देते ये गार्डन है नगीना गार्डन नगीना यानी कि 500 साल पहले फोर्ट के अंदर डायमंड मार्केट लगता था हीरे का बाजार ये किंग्स लुक का है ना सारा बिजनेस प्लेस था इसी गोलकुंडा फोर्ट का है ना फेमस डायमंड था कोहिनूर उस टाइम इंग्लैंड के म्यूजियम में ना विक्टोरिया महारानी के क्रॉन में इसी गोलकुंडा फोर्ट का डायमंड था इधर आ गया जो ऊपर देखो चार पत्थर है एक दो तीन चार पत्थर है इसमें होल होते हैं इस कॉर्नर से वो पास कॉर्नर आता है क्योंकि बच्चे लोग के लिए झूला झूलने का बैरक से ये जब झूला झूलते हैं फोर्ट में बिजली करंट नहीं था देखिए नीचे पानी भरेंगे क्योंकि वो आर्ट्स में दासी लोग बैठेंगे ना झूले में रस्सी बांध कर खींच के छुड़ेंगे तो उनको छूएंगे ठंडा हुआ लगेगा इसी तरह आधी तो हाथों खा
और चेक जो है कॉमन पीपल का, जो लोग किंग के पास जाते हैं तो लोग अंदर लग के तो वेपन चेकअप करेंगे, ये चेक करेंगे फिर से लोग को ऊपर छोड़ेंगे। ये सारा जो प्लेस था जमाने का सिक्योरिटी चेक पॉइंट, वो उतना बिजलीकरण नहीं था, तो मशाल लगाने के लिए टॉर्च नहीं, मशाल लगाते थे। का बिल्डिंग है, देखिए इस बिल्डिंग को आर्मोरिस्ट और असला खाना बोला जाता है। असला यानी कि हथियार बनाने का बिल्डिंग, इसमें हथियार बनाकर दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करते थे। ये तीन माले के बिल्डिंग के अंदर 150 कमरे हैं, 150 कमरे इसमें 150 रूम्स है। ये बंद है वापसी में, इसके अंदर बंदूक वगैरह देखेंगे वापस। हिंदू मिनिस्टर्स दो भाई के लोग करना और मादाना, नीचे करना बैठते ऊपर मादाना। जमाने में अंदर दरवाजे नहीं होते, पर्दे बांधते थे, तो चार कोरे थे, चार पत्थर है, इसमें रस्सी बांध कर पर्दे छोड़ने से लोग के रूम बन जाते। ये ऊपर टॉप पे किताबें रखते, बुक शेल्फ, फैन सिस्टम देखो, साइड में दो पत्थर है आर्च में, उसको लकड़ी डाल कर पर्दा छोड़ के दो रस्सी खींचेंगे, ठंडी हवा फैन। पिलर खड़े हुए ना, एक दो तीन पिलर खड़े गए, छतें गिर गए। उस जमाने के दो माले के बिल्डिंग थे, जितने दूर दूर से गेस्ट आते थे, दो माले के बिल्डिंग रहने के लिए लोग के लिए गेस्ट रूम होते थे। सामने दो रूम है ना, एंटरटेनमेंट रूम, ड्रम से म्यूजिक बजाते बैठते हैं। के बीच में जो बड़ा वाइट आर्च है उसमें बादशाह का चेयर रहता है, उनके गेस्ट हैं तो बैठ के बातचीत वगैरह करते थे, वो था मीटिंग प्लेस। वो मॉस्क तक जा सकते हैं? बंद है वो मॉस्क तो, लेकिन वो पूरा ऊपर जा सकते हैं? जाना है, जा सकते हैं। उस जमाने में अगर किसी को जजमेंट हॉल में जाना है ना, सिंगल आदमी के अंदर एंटर नहीं करते, पढ़ दे होते थे उस जमाने में, दरवाजे होते थे, पर्दे होते थे। सिंगल आदमी को छोड़ेंगे कहीं भी जाएगा, उनका सिपाही खुद सुबह के या खड़ा के क्लैप करेगा, एक क्लैपिंग साउंड सुन तो सुनकर वहाँ ठहर के सिग्नल देंगे, तब आदमी को इंटर कर देते हैं। वो दीवार दिख रही है पहली, दीवार के पीछे अस्तबल है हाथी घोड़े बांधने के। ये भाग्यमती पैलेस है, हैदराबाद का पहला नाम था, ओल्ड नेम भाग्यनगर था, किसानगढ़ की भाग्यमती के नाम से शादी करें, कन्वर्ट करें, नाम रखे हैदरी बेगम, हैदरी बेगम से रखा गया हैदराबाद। डांसर्स लोग का पैलेस है तारामती पैलेस। ये लोग मस्जिद है, मॉस्क, गेस्ट लोग प्रे करते हैं, तो घुमा नहीं सकते, हाथ जल जाते हैं। तो सेकेंड वाली है ना जो लड़की देखती है, वो पंचधातु की, उसको सोना चांदी पित्तल तांबा सब लगा रहा है, उसको कितना भी यूज़ करो गर्म नहीं होती, ठंडी ही रहती, कभी भी पकड़ के उसको घुमा ले सकते। वैसे 87 कैनन्स रखे हैं, 87। ये जो फोर्ट देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? इस फोर्ट को जो बनाया था पहले लेवल पर राजा बनाया था, उसका नाम था काकतिया पर्वत। इधर नीचे में है ये ग्राउंड फ्लोर पर 1 किलोमीटर का छोटा सा मिट्टी का किला बनाया था, मट फोर्ट, मिट्टी का किला बना के इसका नाम रखा था उसने तेलुगु में गोल्ला कुंडा। गुल्ला यानी कि जंगल में गाय बकरी चलाता ना धंगर, उसको तेलुगु में गुल्लू बोलते हैं, पहाड़ को बोलते लोग तेलुगु में कोंडा। गुल्ला कुंडा नाम रखकर 220 साल काकतीय डायनेस्टी फोर्ट पे रूल किया है, 1143 से 1363 तक। 1363 में बीजापुर के सुल्तान बहमनी सुल्तान इस फोर्ट पे अटैक करके और फोर्ट को जीत लिया, यही फोर्ट पर 1580 तक रूल करें। 1580 में ईरान के बादशाह फर्स्ट किंग सुल्तान कुली कुतुब शाह सेकंड जमशेद थर्ड इब्राहिम बाप दो बेटे बहमनी सुल्तान से बात करके मिट्टी के किले को तोड़कर ये जो पक्का फोर्ट बनाए ना, ये सारा फोर्ट बनाने के लिए लोग को टाइम लगा है 62 साल, 62 ईयर्स पूरा फोर्ट देखे विदाउट फाउंडेशन बनाए गए, फाउंडेशन नहीं है, सेकेंड इसका नाम रखा गया हिंदी में गोल कुंडा, गोल यानी के राउंड, कुंडा यानी के पहाड़। ये फोर्ट बनाते बनाते हुकूमत करते करते तीन बादशाहों का डेथ हो गया, तीन बादशाह रोल करे, फोर्ट किंग मोहम्मद अली कुतुब शाह,
फिफ्थ किंग सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, सिक्स किंग सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह 1670 पर गोल करे, जैसे इनका भी डेथ हो गया। सात के बादशाह अबुल हसन तानिशाह 1672 में ये फोर्ट खोलिया, 1687 तक रोल किया, ओनली 15 ईयर्स। जब उनका रोल चल रहा था तब यहाँ पर औरंगजेब अटैक करे। औरंगजेब क्यों अटैक करे? ईरान किंग शिया मुस्लिम थे, औरंगजेब सुन्नी मुस्लिम, ये लोग उनको टैक्स नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर उन्होंने हमला करे। 8 महीने 9 दिन फोर्ट पर लड़ाई चला, उसी की लड़ाई में बड़े बड़े तोप चला करे सारा फोर्ट 60% डैमेज करे। उसके बाद फोर्ट 1693 में फोर्ट बंद हो गया। 1948 में इसको लास्ट निज़ाम मुकरंजा ओपन करा पब्लिक के लिए। इसको सटागना में टेक ओवर किया 1954। इसको जितना भी पत्थर लगा, कॉस्टली स्टोन है ग्रेनाइट, ये जितना भी प्लास्टर होता है ना ये लाइम स्टोन है पूरा, इसमें चूना है, मिट्टी है, उड़द का दाल, काला गुड़, अंडा, गम, कत्था, रेसिपी, से 9-10 चीज़ों के बना, वेरी स्ट्रांग रहता, एकदम महल के अंदर ठंडा रहता। हैदराबाद सेकेंड अब सबसे पहली पूजा होती है वहाँ पर, पूजा का नाम है बोनाली बोलते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर, सेकेंड होता है सिकंदराबाद, थर्ड होता है लाल दरवाज़ा। वो फेस्टिवल चालू होता है जून जुलाई में। वो जो दरबार है वो तो दरबार में बादशाह बेगम डेली ऊपर नहीं जाते, लोग महीने में 2 या 3 बार ऊपर जाते थे, रहते थे नीचे। जब उनको ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना, पालकी से 4 आदमी, 2 आदमी होते गिड्डे, 2 आदमी होते लंबे। ऊपर चढ़ने के टाइम गिड्डे आदमी सामने रहेगा, लंबा आदमी पीछे रहेगा, पालकी लेवल रहेगी। पितरने के टाइम फिर लंबा आदमी सामने, गिड्डे आदमी पीछे, लगा पालकी का शाही रास्ता था दरबार में जाने आने का। ऊपर डेली नहीं जाते थे लोग, महीने में 2 या 3 बार जाते थे। उसी बिल्डिंग से सुरंग है सिटी 4 मीनार की, 8 किलोमीटर टनल है, टनल क्लोज कर दिया गवर्नमेंट ने, पुराना रास्ता है। तो ये जो प्लेस पे ओपन खड़े, ये ओपन नहीं था, वो सेकेंड जो वॉल है ना, सेकेंड वॉल से 2 महीने के बिल्डिंग थे इनके, प्रिंस एंड प्रिंसेस रहने के राजवाड़े। लेकिन ग्राउंड फ्लोर जितना भी देख रहे हैं आप, ये ज़माने का मैरिज हॉल था। इधर में बेगम लोग बैठेंगे, उस साइड में बादशाह लोग, वो पीछे बड़े बड़े आर्चर्स दिख रहे हो, ट्रम्प से म्यूजिक बजाते बैठते हैं। सामने जो क्लब दिख रहा है आपको वो है जकोजी, उसमें रोज वाटर परफ्यूम अंडर रखकर मैरिज गर्ल को उसमें मिला कर तैयार कर कर आगे बिठाते हैं। उसका जकोजी बेगमों का ड्रेसिंग रूम था, इसमें रखेंगे रोज वाटर फेस एंड वॉश करने के लिए। ये ना क्वींस मेकअप रूम, नीचे जो बड़े आर्चेस है ना ये नहीं होते, इसमें मिरर ऊपर एक छत होती थी, तीन एंट्रेंस से हम बैठेंगे, टॉप से रॉयल फैमिली के फ्लावर्स आ लेंगे। कौन बैठेंगे इधर? इधर किंग एंड क्वींस बैठते हैं, टॉप से रॉयल फैमिली फ्लावर्स बैठते हैं। इधर पूरे गेस्ट आएंगे, ये ओपन प्लेस है, तारामती पेंटी के डांस स्टेज है, ये बजाते बैठते हैं इसमें अनाज गलत से। वॉल के पीछे किचन रूम, वॉल के पीछे लॉन्ड्री, डॉन में शाही का। ज़माने में बिजली का रड नहीं था, मशाल लगाते हैं ना उसका धुआं निकलेगा, बिजली को ब्लैक कर देगा, पूरा धुआं बढ़ जाएगा। यहाँ मशाले लगाते हैं, छोटे छोटे आर्चेस हैं, आर्चेस के साथ दिया रखते हैं, सामने डायमंड रखते हैं, दिए का रोशनी डायमंड से पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट। हेलो, बादशाह के बेडरूम के बाहर है ना 4 सिपाही रहते हैं ना बैरिंग के, कोई 4 आदमी एक जगह ठहर कर बात करने से बात कर ही सुन, फिर ये आवाज़ बादशाह बेगम सोने के टाइम इनकी आवाज़ उनके काम पर जाएंगे, लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग को डिस्टर्ब हो, लोग उस समय बाहर रहेंगे तेरे को कुछ भी खतरनाक पनिशमेंट देंगे, इसलिए आवाज़ उनके काम तक नहीं पहुँचना है, लोग को पनिशमेंट नहीं पड़ना, क्योंकि सिपाही किस तरह से बात करते हैं। इधर आ गया, इस कॉर्नर से बात करेंगे आप इनसे, वो जो सामने कॉर्नर दिख रहा वो से बात करेंगे आप, है ना, उस कॉर्नर से बात करेंगे आप इनसे, उस कॉर्नर से बात करेंगे। सिर्फ इधर पहले देखो, बाद में जाओ, पहले देखो ये बीच में रहना, सिर्फ टू हैंड्स रखना, हेलो से बात करेंगे। चलो इधर आ जाओ,
मतलब यहाँ पे जो रहेगा वो उधर नहीं सुन सकता है। जा, 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 जा। पहले इन लोगों को करने देते, एक बार देखते। पहले आप उधर चले। नहीं नहीं नहीं, देखते एक बार, देखते। करो 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 करो। इधर वो पहुँचा ही। হ্যাঁ পুরো মনে হচ্ছে বেশি পুরো সারাউন্ড সাউন্ড বাদশাহ কো ডিস্টার্ব না হোনা এটা কো পানিশমেন্ট না পড়না উনি সিপাই জো ভি বাত করতে হ্যায় ডায়মন্ড কাট সে দেখি 28 এই ডায়মন্ড কাট সব তো রাস্তা পুরো ক্যাচ কর কি কো ডিস্টার্ব না হোনা এটা কো পানিশমেন্ট না পড়না ইসলিয়ে বড়ে লোক বলতে না হিরো বাত করো কি দুয়ার কো ভি কাম না কেসে কেসে সুবি পাতে কি ডায়মন্ড কাট গুলো That is reflecting the sound somehow. না না এটা কত কত করে ডায়মন্ড কাট দেয়? 28 টাকা কতটা পড়লো? Obviously তো সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে মানে এটা ইন্ডিকেট করে। আচ্ছা সাইনিক লোক করতে হ্যাঁ। इधर में क्वीन इधर में किंग रहते हैं। ये नहीं आएगा इसको आप खड़ा के किंग से बात कराते हैं। वहां टेर के किंग से बात करने के टाइम वो हथियार भी फेंक के मारेगा उसका बटन स्पॉन हो जाएगा। कि वॉल है ना छोटा छा के नीचे गिर जाएगा लेकिन वहाँ तक नहीं जाएगा। तो किंग को मारने की तो बात दूर की बात है, तो बात करने के बाद धीरे धीरे वेपन निकालेगा, इससे पहले आवाज़ किंग के पास पहुँच जाए। किंग ऊपर से क्लाब करेंगे तो सैनिक उसको अरेस्ट करते हैं, फिर निकालो तो वहाँ पता चलेगा। जाओ हथियार भी निकालो, उससे पहले किंग को पता चल जाए। इसको उससे ऊपर का हार्ड वाटर के लिए नीचे का कूल वाटर के लिए वो देखिए उससे टू होल दिख रहे हैं, इसे स्कोर में टैंक बन रहा है। हम लकड़ी डाल कर आग लगाते हैं, जैसे उस टैंक में पानी गर्म होगा 5-6 मेंबर ऊपर चढ़कर पर्सनल हाइट पर घुमाते हैं, तभी हार्ड वाटर कूल वाटर थोड़ा बेगम होकर हमाम में सब पैसा मार। This is the story of glorious Golconda. Come, I'll take you on a journey to show and share it all with you. Fort Golconda. The name is interesting, just like its rich history. Fight, empowering us to fend off our enemies. Jung se badi hai, jung ki tayari. Ek jut rahenge to padenge hum bhari.
Burgundian rulers fought with great bravery and valor for many decades to defend Warangal and Golconda. At the end of the Kakatiya kingdom, brave native rulers like Musunuri Pralayanayak fought courageously and drove the invaders from his kingdom. But in the end, Golconda's defense was breached. Time took a momentous turn. A large Makkah Masjid was planned during his reign. Under the rule of Sultan Abdullah Qutub Shah, son of Muhammad Qutub Shah and Hayat Bakshi Begum, the Telugu kingdom expanded all the way from Ganjam in the north to Chennai in the south. Meanwhile, Aurangzeb, the son of the Mughal Emperor Shah Jahan, marched from Delhi and became the governor of the Deccan, waiting for an opportunity to attack Golconda.